गुड मॉर्निंग एवरीवन. नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है. वी आर रेडी फॉर द ब्रेकफास्ट अगेन. आपको जैसे पीछे दिख रहा है सुबह कितना प्लेजेंट है, ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. आपको कल शायद मैं बता नहीं पाई, हम लोग आए थे थाने टू लोनावला और ड्राइव वॉज प्लेजेंट, अच्छा था. हमने कैब बुक की थी, अप्रॉक्सीमेट ड्राइव रन था हमारा 2 आवर्स, 2 घंटे था, बट थोड़ा एडिशनल हो गया था उसमें रास्ते में कुछ ट्रैफिक था, तो 2 घंटे 15 मिनट लगे. बट अगर आप रश आवर्स में आए तो शायद ज़्यादा टाइम भी लग सकता है. थाने टू फुरियास रिसॉर्ट, यहाँ पे स्टे अच्छा ही रहा है जिसमें मैंने आपको बताया अभी तक. अभी फिर से जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए. पूल के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, पूल इज़ 2 pools. आउटसाइड पूल ज़्यादा अच्छा है, बच्चों के साथ है, बट अगर आपको वेदर परमिट करता है तो मौसम अच्छा है तो आप जा सकते हो. ज़्यादा गर्मी है तो डिफ़िकल्ट है बिकॉज गर्मी ज़्यादा है बच्चों के हिसाब से. रूम के बारे में, सर्विसेज के बारे में आपको बताना चाहूँगी. हमने बुक किया था ट्विन बेड रूम, गलती से मैंने बुक करते टाइम ये कंसिडर नहीं किया कि मेरे साथ बेबी है. 2 सिंगल बेड थे रूम के अंदर, बट व्हेन आई केम हियर मैं मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चा है छोटा तो आप कैसे एडजस्ट कर पाओगे. ट्विन बेड पे क्या रिस्क रहता है, बच्चा गिर सकता है. राइट, हमारा बच्चा कुछ ज़्यादा चंचल है. तो मैंने जब रिसेप्शन पर उनको रिक्वेस्ट किया कि इफ पॉसिबल क्या आपके पास किंग साइज़ बेड रूम अवेलेबल है तो मुझे वो रूम दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे रूम दे दिया एंड दे अपग्रेडेड माई रूम टू प्रीमियम रूम एज वेल. तो मुझे प्रीमियम किंग साइज बेड रूम मिला, बहुत अच्छा मिला. फिर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट और की, जस्ट अ रैंडम रिक्वेस्ट, कि आप इन केस आपके पास क्या क्रिब है जो छोटे बच्चों का पालना टाइप होता है ना, आपके पास क्रिब अवेलेबल है. उन्होंने बोला यस वी कैन प्रोवाइड दैट. तो मुझे उन लोगों ने क्रिब भी प्रोवाइड किया. क्रिब तक लेकिन मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा. इट वॉज़ कम्फर्टेबल फॉर द बेबी ड्यूरिंग द डे, बट हाँ रात को उसमें नहीं सुला सकते क्योंकि बच्चा हाथ बाहर निकाले तो उसको चोट लग सकती है. हमें क्रिब भी मिला और एडिशनल मैट्रेस के बारे में हम सोच रहे थे कि नव्या को सेपरेट बेड चाहिए होता है, बट हमने जब पूछा तो उन्होंने बोला जो आपके रूम में सोफ़ा है वो एक सोफ़ा कम बेड है, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. उन लोगों ने आके एडिशनल बेडशीट बेडिंग ला के दिया, उड़ने के लिए ला के दिया और नव्या को एक्सक्लूसिव एक किंग साइज बेड मिल गया. तो ऑल इन ऑल सर्विसेज आर रियली गुड, दे आर कोऑपरेटिव. हम जा रहे हैं नीचे इंडोर स्विमिंग पूल में. लास्ट टाइम मैंने देखा था तो एकदम बड़ा था और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. चलो आप भी चलो. ये नज़ारा आप देख रहे हो आउटडोर पूल का जिसकी मैंने बात की थी आपसे, बहुत ही सुंदर है. दोपहर का टाइम है, सब लोग चले गए हैं नहा धो के और नव्या बच्ची खेल रही है. आप सबको दिखाना चाहती थी कि यहाँ पे कितने टाइप की राइड्स हैं. आप सामने देख सकते हो ब्यूटीफुल फाउंटेन बनाए हैं छोटे बच्चों के लिए, उसके साइड में है बिग राइड 1, 2, 3, ये बड़े लोगों के लिए है 3 राइड्स और ये ब्यूटीफुल ब्रिज है इसके साइड में, उस तरफ है 2 छोटे राइड्स छोटे बच्चों के लिए और एक वाटर फाउंटेन है एंड दीज ट्यूब्स, ये ट्यूब हैं जो यहाँ पे राइड्स के लिए मैंडेटरी हैं. ये है इन 2 बड़े राइड्स के लिए
और जो ये फ्लोट है ये इस राइड के लिए होगी। बहुत गर्म हो गया एलेक्स, गो 5 more minutes, ओके ओके 10 more minutes। ये आप देखिए पीछे यहाँ पे अच्छा शेड बनाया है बैठने के लिए मेरे जैसे लोगों के लिए, बट बच्चों को पीछे पीछे रहना पड़ता है क्योंकि तो पानी में इसका स्लिप हो जाए पता नहीं चलता। और ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, जिससे मुझे खाने में रिलैक्स करना है उसमें प्यारा सा है, मतलब यहाँ बैठे ही फैमिली और रिलैक्स करना, जैसे यहाँ सब लोग बैठ सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं और यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। ये है जिप लाइन जो रिजॉर्ट के अंदर ही अवेलेबल है, तो पानी में खेलने के साथ साथ आप इस एडवेंचर का मजा भी ले सकते हैं। ये है यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो शॉप, अगर आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वगैरह कुछ लेने हैं तो यहाँ से आप ले सकते हो। पीछे आप देख सकते हो कि टॉवल्स है, और चलिए आपको अंदर जाके दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या अवेलेबल है। सुवेनियर्स है, आप यहाँ से सुवेनियर्स ले सकते हो। एंड फॉर स्विमिंग बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए एवरी साइज अवेलेबल शॉर्ट्स, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स। ये आप देख सकते हो ज्यादातर जरूरत पड़ती है बच्चों को। ये गॉगल्स हैं डिफरेंट प्राइस रेंज। इवनिंग 6 o'clock तक खुला रहता है ना ये शॉप, 6:30 तक। मॉर्निंग व्हाट टाइम ओपन्स? 9 o'clock मॉर्निंग खुलता है। एडवेंचर के साथ साथ वहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए भी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। वैरायटी ऑफ स्पा, मसाजेस और बहुत टाइप की ब्यूटी सर्विसेज का ऑप्शन भी था। ये है किड्स क्लब, जहाँ पे अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे को खेलने के लिए छोड़ सकते थे, बट चार्जेस वर सेपरेट फ्रॉम योर रूम चार्जेस, 500 पर किड। ये है रिसोर्ट का एशियन फ्यूजन रेस्टोरेंट, जिसमें इंडियन और ओरिएंटल कुजींस अवेलेबल थे। लीजिए हमारा स्टेकेशन हो गया है कंप्लीट, एंजॉय किया 2 दिन यहाँ पे, अभी कर रहे हैं चेकआउट। इस वीडियो में कोशिश की आपको मैक्सिमम जानकारी देने के लिए, अगर आप यहाँ पे आने वाले हो तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड मिलेंगे ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब के लिए बाय बाय।